प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अच्छा दिन दिए है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर का वचन में से हम भजन संहिता चैप्टर 77 वर्स 11 का ध्यान करेंगे। मैं याह के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। क्या लिखा है भजन संहिता में? मैं परमेश्वर यहोवा की बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। देखिए यहाँ लिखा है कि हम परमेश्वर के जो भी बड़े बड़े काम है, आश्चर्य काम किया है परमेश्वर हमारे जीवन में, उसे स्मरण करना ज़रूरी है। आज का मैसेज का टाइटल है कि स्मरण रखो, रिमेम्बर, याद रखो परमेश्वर जितने भी आशीर्वाद आपको दी है। जब विश्वास में नए थे आपका सिचुएशन कैसा था, अभी आपका पोजीशन कैसा है, याद रखो। इजरायली मिस्र में दास दासी की तरह काम करते थे, लेकिन परमेश्वर ने मिस्र की दासता से बाहर लेके आकर उनको स्वतंत्रता दिया, उनको रोटी दिया, पानी दिया, मन्ना दिया, उनको काना देश पहुँचाया, सबको इकट्ठा करके एक देश दिया। जितने भी आश्चर्य काम परमेश्वर ने इसराइलियों को किया है वो भूल जाते थे। कभी कभी समस्या आया है, वेदना आया है, उस समय परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते थे और कहते थे परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर ने क्या किया। देखो आज कई विश्वासी लोग, उनके जीवन में जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, बीमारी होती है, परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर क्यों मुझे जवाब नहीं देते, परमेश्वर क्यों मुझसे बातें नहीं करते, वही मुँह से कहते हैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे मिराकल्स किए हैं, और वही मुँह से कहते हैं क्यों परमेश्वर मुझे और भी सताते हैं, क्यों परमेश्वर मुझे ये नहीं देते, वो नहीं देता। इस तरह एक ही जबान में से भलाई और एक ही जबान में से बुराई बोल नहीं सकते। यहाँ लिखा है कि हमें स्मरण रखना है परमेश्वर ने जितने भी आश्चर्य काम किए हैं। मैं अभी भी याद रखता हूँ कि जब मैं विश्वास में नया था, जब मुझे नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने नौकरी दी, सिर्फ एक 5 जोड़ी या 6 जोड़ी कपड़ों के साथ मैं नौकरी करने चेन्नई गया, वहाँ से लेकर परमेश्वर ने मुझे एक एक कदम पर नौकरी में, मेरी आर्थिक स्थिति में, हर विषय में कैसा परमेश्वर ने मुझे सहायता की, अभी भी मैं याद रखता हूँ। शादी होने के बाद मुझे 6 महीने तक सिलेंडर कनेक्शन लेने के लिए भी पैसा नहीं था। 6 महीने तक 5 किलो की सिलेंडर को, जो गैस बाहर दुकान में भरवाते हैं गैस को, उसी से हम इस्तेमाल करते हुए खाना पकाते थे, लेकिन परमेश्वर ने 6 महीने के बाद सिलेंडर कनेक्शन लेने के लिए मदद किया। उस समय चेन्नई में गैस सिलेंडर कनेक्शन लेना बहुत महंगा था, इसीलिए हम नहीं ले पाए 6 महीने तक। बाद में जब कनेक्शन लिए तब हम उस गैस स्टोव के ऊपर हाथ रखकर बहुत धन्यवाद के साथ, परमेश्वर आपने हमें एक गैस कनेक्शन दिया है उसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर आपने हमें अच्छे कपड़े दिए हैं, खाने के लिए रोटी दी है, रहने के लिए किराया मकान दिया है, बच्चे दिए हैं, हर एक विषय के लिए मैं तुझे स्तुति करता हूँ परमेश्वर। जितने भी आशीर्वाद है परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, हर एक बात को मैं डायरी में नोट करके रखता हूँ। हर साल, हर महीने जो भी आशीष परमेश्वर हमें देते हैं सब लिखकर मैं स्मरण करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। आज परमेश्वर कहते हैं कि स्मरण रखो, रिमेम्बर करो, भूलो मत। देखो छोटे बच्चों को देखो, खिलौने पूछते हैं आप, अगर खिलौने दिला देते हैं 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद खिलौना तोड़ देते हैं, फिर बाजार लेके जाते हैं, फिर नया खिलौना पूछते हैं। 4 दिन पहले ही खिलौना दिलाया है फिर क्यों मांग रहे हो? वो कहते हैं वो टूट गया है, वो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नया चाहिए, अभी चाहिए, यही दिलाओ। इस तरह सताते रहते हैं, पुराने बातों को भूल जाते हैं और नए चीज़ें पूछते हैं। बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जितने भी ब्लेसिंग्स मैंने तुम्हें दिया है भूलो मत। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का आभारी रहता है, धन्यवाद करते रहता है, स्तुति करते रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में कदम कदम पर उसे आशीष देता रहेगा, उसके ब्लेसिंग्स बढ़ते जाएंगे और वो एक अच्छे पोजीशन में रहेगा, परमेश्वर की गवाही बनेगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मेरे जितने भी आशीर्वाद मैंने तुझे दिया है उसे स्मरण रखो, एक बुक में लिखो ये महीना परमेश्वर ने क्या आशीष दी है, क्या मेरे जीवन में आया है, मेरे घर में क्या आया है, क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आई है, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग आई है या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आया है,
कौन सा आशीर्वाद आपके जीवन में मिला है, कितने एक्सीडेंट से, कतरों से परमेश्वर ने आपको बचाया है, कितने बीमारियों से परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, सब लिखकर आप अगर स्मरण रखेंगे तो परमेश्वर के प्रति आपका धन्यवाद और स्तुति और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के किए हुए कामों को मत भूलना। आज बहुत लोग परमेश्वर की आभारी नहीं रहते, भूल जाते हैं और परमेश्वर से लड़ाई करते हैं, परमेश्वर से सवाल पूछते हैं परमेश्वर ने क्या किया है। इस तरह मत रहिए। इसराइली भी ऐसे ही थे, मन्ना मांगने लगे, मन्ना दिया परमेश्वर ने, मांस मांगने लगे, परमेश्वर ने मांस दिया, पानी नहीं है बोलने लगे, परमेश्वर ने पत्थर में से पानी दी, फिर भी कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर से वाद विवाद करने लगे। इस तरह मत रहिए। एक सच्चा विश्वासी सिर्फ खुशी के समय ही नहीं, मुश्किलों में भी परमेश्वर की स्तुति करेगा और परमेश्वर के किए हुए कामों को याद रखेगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आज ये वचन सुनने वाले भाई बहन को याद कर, उनके जीवन में जितने भी आश्चर्य काम आपने किया है उसे स्मरण रखने के लिए, उन कामों के प्रति तुझ पर आभारी रहने के लिए सहायता कर। हाँ पिता, आज हम जीवित है, परिवार के साथ खुशी के साथ है, तो ये तेरी दया है पिता। पहले दिनों में बहुत मुश्किल में थे, लेकिन आज आपने हमें एक अच्छा स्थान दिया है, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत से लोग हैं जो तू जितने भी आश्चर्य काम किया है उन सबको भूल जाते हैं, तेरा धन्यवाद नहीं देते, लेकिन तू कहता है स्मरण कर कैसा था तेरी परिस्थिति पिछले दिनों में, अब कैसा है तू। उसके कारण तुझे एक धन्यवाद भेंट देने के लिए, तेरे साथ स्तुति करने के लिए सहायता कर। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से छू और उनको एहसास दिला कि आज उनका स्थिति तेरे ही आशीर्वादों के कारण है। यीशु मसीह नाम पर दुआ करता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी टाइम है आपके पास, नोट कीजिए इस फरवरी महीने में परमेश्वर ने कौन से आशीष दिए हैं, जनवरी में कौन से आशीष दिए हैं, विश्वास में आने के बाद एक एक साल परमेश्वर ने कौन से ब्लेसिंग्स दिए हैं, सबको लिख कर चेक करो, तब आपको ही पता चलेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कितने महान काम किए हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।